बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इंडस्ट्री रिलेशंस एक्ट 2012। उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। उसमें स्टडी करना होंगे सेक्शंस 33 से लेकर सेक्शन 40 तक, और आप इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए इन लिंक्स को यूज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेक्शन 33 जो है ये रिड्रेस ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस से रेलेवेंट है। इसमें सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी वर्कर अगर उसको कोई ग्रीवेंस कॉज होती है ऐसे राइट के हवाले से जो राइट गारंटीड था या जो राइट सिक्योर्ड है अंडर एनी लॉ, अंडर एनी अवार्ड और अंडर एनी सेटलमेंट, यानी उस राइट की ग्रीवेंस हुई है जो राइट उसको दिया गया था या जिस राइट की उसको गारंटी दी गई थी किसी लॉ के तहत या किसी अवार्ड के तहत या किसी सेटलमेंट के तहत। और यहाँ पे वर्ड अवार्ड से मुराद है कि किसी लेबर कोर्ट के फैसले के मुताबिक या किसी कमीशन के फैसले के मुताबिक या किसी आर्बिट्रेशन के तहत जो है ये राइट उसको दिया गया था, राइट उसका सिक्योर था। और वो जो वर्कर है वो नोटिस देगा अपने एम्प्लॉयर को, या तो नोटिस खुद दे सकता है एम्प्लॉयर को या थ्रू स्टीवर्ड दे सकता है या थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट भिजवा सकता है। अब वर्कर ने नोटिस या खुद दे दिया या शॉप स्टीवर्ड के थ्रू भिजवा दिया या थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट भिजवा दिया, लॉ ये कहता है कि विद इन 90 डेज इस नोटिस का वहां पहुंचना जरूरी है जब ग्रीवेंस जो है ये अराइज हुई थी। यानी हम सपोज करते हैं कि अगर 1 मार्च को ग्रीवेंस अराइज होती है तो 31 मई तक जो है या 1 जून तक जो है नोटिस दिया जाना जरूरी होगा। और अगर 90 डेज एक्सपायर हो जाते हैं तो वर्कर का ये जो राइट है अंडर सेक्शन 33 ये ऑटोमेटिकली खत्म तसव्वुर किया जाएगा। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जैसे ही नोटिस मिलता है वर्कर की जानिब से किसी भी एम्प्लॉयर को तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि विद इन 15 डेज अपने फैसले से आगाह करे वर्कर को, ये जरूरी है विद इन 15 डेज अगर डायरेक्टली उसको ये नोटिस दिया गया था किसी वर्कर की जानिब से। जबकि सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर वर्कर ने ग्रीवेंस का नोटिस जो है वो एम्प्लॉयर को दिया था थ्रू शॉप स्टीवर्ड या थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, उस सूरत में विद इन 7 डेज इसका रिप्लाई करना यानी डिसीजन करना एम्प्लॉयर की जानिब से ये जरूरी है, और वो अपने डिसीजन को कम्युनिकेट करेगा इन राइटिंग शॉप स्टीवर्ड को या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को। यानी अगर नोटिस ऑफ ग्रीवेंस आया था थ्रू शॉप स्टीवर्ड तो वो कम्युनिकेट करेगा अपना डिसीजन शॉप स्टीवर्ड को, और अगर वो ग्रीवेंस का नोटिस आया था कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को तो एम्प्लॉयर कम्युनिकेट करेगा अपना डिसीजन कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को इन राइटिंग। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है अपना जो डिसीजन उसको कम्युनिकेट करने के हवाले से विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, वो पीरियड जिसका ऊपर हम अभी जिक्र कर चुके हैं, अगर एम्प्लॉयर इस हवाले से नाकाम हो जाता है और इन टाइम कम्युनिकेट नहीं कर पाता नोटिस तो उस सूरत में क्या होगा। ये वर्कर इस मामले को शॉप स्टीवर्ड के पास ले जाएगा या वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के पास ले जाएगा, और किसी भी सूरत में शॉप स्टीवर्ड या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो है वो इसी मैटर को कमीशन के पास लेके जा सकता है, और अगर कमीशन के पास ये मामला चला गया उस सूरत में कमीशन जो है वो अपना डिसीजन जो है विद इन 7 डेज दे देगा। अब यहाँ पे ये बात दोबारा माइंड में रखना जरूरी है कि दो इसमें ऑप्शंस दी गई हैं कि अगर तो एम्प्लॉयर नाकाम हो जाता है डिसीजन को कम्युनिकेट करने के हवाले से विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर एम्प्लॉयर ने डिसीजन तो दे दिया है लेकिन वर्कर उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पे ये दो मामले बनते हैं, उस सूरत में वर्कर शॉप स्टीवर्ड के पास या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के पास जाएगा और ये इन मामलों को कमीशन के पास ले जाएंगे जो कि 7 दिनों के अंदर उसका डिसीजन कर देगा।
नेक्स्ट ये कहा गया है कि अगर वर्कर ये चाहता है कि मामले को कमीशन के पास लेके जाए तो ये बात जरूरी है कि जो डिसीजन किया था एम्प्लॉयर ने उस डिसीजन के 60 दिनों के अंदर अंदर वो चैलेंज कर सकता है कमीशन के पास, और 60 डेज की ये जो टाइम लिमिट है इसको ऑब्जर्व करना ये कंपलसरी है, जरूरी है, वरना कमीशन के पास वो उस मैटर को नहीं लेके जा सकेगा। सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है कि कमीशन जब इस मामले को एडजुडिकेट करेगा या डिटरमिन करेगा ग्रीवेंस को, तो उसमें वो तमाम फैक्ट्स और तमाम जो मामला थे उसको मद्देनजर रख के ऑर्डर पास करेगा, और वो जो ऑर्डर होगा वो जस्ट एंड प्रॉपर होगा उन सर्कमस्टांसेस के मुताबिक। इस तरह का ये ऑर्डर होना चाहिए। अगर कमीशन ने डिसीजन अपना दे दिया था एम्प्लॉयर के फैसले के खिलाफ और वो जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा एम्प्लॉयर, उस सूरत में एम्प्लॉयर के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी अगर विद इन 7 डेज उस डिसीजन को जो ऑनरेबल कमीशन ने इशू किया था अगर उस डिसीजन को कंप्लाई विद नहीं किया गया तो आफ्टर 7 डेज जो है वो डिफॉल्टर को पनिश किया जा सकता है और कमीशन उसको इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट या पेनल्टी दे सकता है जो कि 1 साल तक हो सकती है। इसके अलावा फाइन किया जा सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं, लेकिन फाइन की जो अमाउंट होगी दैट वुड बी 75,000 रुपीस, ये मैक्सिमम अमाउंट है। 75,000 से कम हो सकती है लेकिन 75,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी इसमें 3 तरह की पनिशमेंट देने का अख्तियार कमीशन रखता है, एक फाइन जो कि 75,000 तक हो सकता है, दूसरी इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 ईयर तक हो सकती है, और तीसरी सजा ये है कि दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि उसको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट दे दी जाए और उसको जो है वो 50,000 का फाइन हो। ये मैं एक सपोज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 3 ऑप्शंस कमीशन के पास हैं। सबसेक्शन 7 ये कहता है कि ये जो सेक्शन सबसेक्शन 6 में हमने डिस्कस किया है पनिशमेंट्स वगैरह, ये उस सूरत में हो सकती है अगर वर्कमैन जो है वो एक कंप्लेन फाइल करता है इन राइटिंग, और क्लॉज ए में कहा गया है कि वर्कमैन जो कंप्लेन फाइल करता है तो उसमें वो वर्कमैन जो है उसके तमाम पार्टिकुलर्स बताएगा, डिसीजन के बारे में बताएगा, उसमें वर्कमैन एक्सप्लेन करेगा कि जो डिसीजन उसके फेवर में आया था उसको एम्प्लॉयर ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। सबसेक्शन 8 ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा वर्कमैन जो हैं उनको ग्रीवेंस हुई हो किसी भी एम्प्लॉयर की जानिब से, उस सूरत में वो जॉइंट एप्लीकेशन के थ्रू भी कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। यानी अगर हम सपोज करते हैं कि 3 वर्कमैन हैं वो सेम कॉज ऑफ एक्शन के तहत जो है वो एक एप्लीकेशन मूव करना चाहते हैं या कंप्लेन मूव करना चाहते हैं तो वो कंप्लेन मूव कर सकते हैं, उनकी जॉइंट एप्लीकेशन को कमीशन इंटरटेन करने का अख्तियार रखता है। सबसेक्शन 9 में ये कहा गया है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट या कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो कमीशन में अप्लाई कर सकता है कि जो उनके राइट्स हैं, जो राइट्स उनको गारंटीड हैं या सिक्योर्ड हैं अंडर एनी लॉ, अंडर एनी अवार्ड या अंडर एनी सेटलमेंट, उनको इन्फोर्स करवाया जा सके। तो ऐसे राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट या एम्प्लॉयर जो है वो भी कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं। और सबसेक्शन 10 में ये कहा गया है कि एक काउंसिल बनाई जाएगी जिसे ट्राईपार्टाइट काउंसिल का नाम दिया जाएगा। उसका बेसिक पर्पस ये होगा कि वो जो ग्रीवेंसेस हैं वर्कर्स के उनको रिव्यू करे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, और उनके जो मेंबर्स उनकी तादाद जो है वो 3 से कम नहीं होगी, और तीनों मेंबर्स अपने अपने जो यूनिट्स उनको रिप्रेजेंट करेंगे, मसलन वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को और गवर्नमेंट को। यानी एक मेंबर वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन लास्ट में एक कंडीशन बताई गई है और वो कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट जो है
थ्रू ऑफिशियल गजट इन तमाम को जो है वो नॉमिनेट करेगी। तो गवर्नमेंट की नॉमिनेशन के बगैर जो है ये मेंबर्स के अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी। सेक्शन 34 रेजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इसके सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि जब तक कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट या जब तक कोई एम्प्लॉयर ये रेज नहीं करता कि कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उनके एस्टेब्लिशमेंट में हुआ है, तो तब तक ये समझा जाएगा कि कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज नहीं हुआ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उस वक्त तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं समझा जाएगा जब तक के कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट या एम्प्लॉयर खुद नहीं ये बताते कि उनकी इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट जो है वो रेज हुआ है, और उसको ये बताएंगे एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। तो ये कम्युनिकेशन जो है ये जरूरी होगी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट या एम्प्लॉयर की जानिब से, वरना ऐसा तस्वर किया जाएगा कि उस इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। और इसी तरह ये कमीशन के हवाले से बताया गया है कि कमीशन का जो डिसीजन होगा इस डिस्प्यूट के हवाले से, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के हवाले से, वो बाइंडिंग होगा तमाम एम्प्लॉयर्स पे और तमाम वर्कर्स पे। अगर इस डिस्प्यूट को रेज किया था किसी फेडरेशन ने या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट ने या एम्प्लॉयर की किसी एसोसिएशन ने या वर्कर्स ने, उस सूरत में अगर कमीशन कोई डिसीजन करता है वो तमाम एम्प्लॉयर्स पे और तमाम वर्कर्स पे बाइंडिंग होगा। सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि अगर एक डिसीजन जो है कमीशन का ये इफेक्टिव है, उस सूरत में उस मैटर में कोई भी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो है वो इंटाइटल्ड नहीं होगा कि वो डिमांड रेज करे उस मैटर से मुतलक। यानी जब कमीशन ने एक मामले का फैसला कर दिया, उस मामले से मुतलक दोबारा कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट डिमांड नहीं कर सकता, कोई इशू रेज नहीं कर सकता जिसका ऑलरेडी डिसीजन जो है वो ऑनरेबल कमीशन ने दे दिया हो। सेक्शन 35 नेगोशिएशंस रिलेटिंग टू डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट से रेलेवेंट है। इसमें सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि अगर किसी भी वक्त एम्प्लॉयर या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट ये देखते हैं कि कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हुआ है उनके इंडस्ट्री में, या वो अराइज होने वाला है, अभी अराइज नहीं हुआ लेकिन इम्कान है कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होगा, तो एम्प्लॉयर या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट वो कम्युनिकेट करेंगे अपने व्यूज को इन राइटिंग, और वो कम्युनिकेट कर सकते हैं वर्क काउंसिल से, या वो दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करेंगे और इसकी एक कॉपी जो है वो वर्क काउंसिल को भेजी जाएगी। और सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जैसे ही एक कॉपी वर्क काउंसिल को भेजी गई, तो वर्क काउंसिल जो है जैसे ही कॉपी रिसीव करता है वो कोशिश करेगा कि मामला को सेटल किया जाए, उन डिस्प्यूट को सेटल किया जाए बायलैटरल नेगोशिएशंस के जरिए विद इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर अंदर बायलैटरल नेगोशिएशंस के जरिए उस मामला को रिजॉल्व किया जाए। बायलैटरल से मुराद है वो मामला जिसमें दो पार्टीज हों। अब इस मामले में अगर देखा जाए तो दो पार्टीज में एक एम्प्लॉयर है और सेकंड वन इज वर्कर और वर्कमैन, तो इनके मामला को सेटल डाउन करने की कोशिश की जाएगी। और अगर इनके मामला सेटलमेंट हो जाती है इनकी, तो सेटलमेंट की सूरत में एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा इन राइटिंग, और इस पे दोनों पार्टीज के सिग्नेचर होंगे, एम्प्लॉयर के भी और वर्कमैन के भी है। और इसके बाद इसकी जो कॉपी होगी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट की, ये कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी कॉन्सुलेटर को, और ऐसी अथॉरिटीज को भी इसकी कॉपी सेंड की जा सकती है जिसका जिक्र सेक्शन 2 की क्लॉज 30 में मौजूद है। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर सेटलमेंट नहीं होती पार्टीज के दरमियान, यानी एम्प्लॉयर और कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के दरमियान अगर सेटलमेंट नहीं होती, तो उस सूरत में ये होगा कि ये जो मामला है इसकी इसको कम्युनिकेट किया जाएगा वर्क काउंसिल को, और अगर बायलैटरल नेगोशिएशंस फेल हो जाती हैं या एम्प्लॉयर और वर्कमैन, यानी एम्प्लॉयर और कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के दरमियान बायलैटरल नेगोशिएशंस जो हैं वो नहीं पाए तकमील तक पहुंचती,
उस सूरत में ये होगा कि एम्प्लॉयर जो होगा वो या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, इन दोनों में से कोई भी विद इन 7 days, यानी वो जो दुरानिया हमने भी डिस्कस किया था सब सेक्शन 2 में, वो 10 days का था कि विद इन 10 days जो है वो काउंसिल जो है उसका डिसीजन देगी और सेटलमेंट करवाएगी पार्टीज की। अगर वो सेटलमेंट नहीं होती विद इन 10 days तो उसके इख्तिताम के बाद विद इन 7 days, तो विद इन 7 days एक नोटिस भेजा जाएगा दूसरी पार्टी को डिस्प्यूट से मुतलक, और ये जो नोटिस होगा ये लॉकआउट के हवाले से हो सकता है या स्ट्राइक के हवाले से हो सकता है। यानी अगर एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड नहीं है या सेटलमेंट नहीं हुई और एम्प्लॉयर जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता अपने वर्कर्स को अपने एस्टेब्लिशमेंट में, तो वो एस्टेब्लिशमेंट को लॉक आउट कर देगा। और अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट या वर्कमैन उनकी कोई सेटलमेंट नहीं हो सकी और वो अपने आप को एग्रीव समझते हैं और वो समझते हैं कि उनके लिए काम को कंटिन्यू रखना मुश्किल है, तो वो डिमांड कर सकते हैं और उस सूरत में वो डिमांड करेंगे थ्रू स्ट्राइक। तो ये स्ट्राइक का जो राइट है बेसिकली ये एम्प्लॉय के पास होता है या वर्कर या वर्कमैन या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, जबकि लॉकआउट का जो राइट है ये होता है नॉर्मली किसी एम्प्लॉयर के पास, बशर्त ये कि लॉकआउट हो या स्ट्राइक हो, ये इलीगल नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 36 कॉन्सिलिएटर से रेलेवेंट है। कमीशन जो है ये अपॉइंट कर सकता है किसी भी शख्स को जिसको वो जरूरी ख्याल करता है इस कानून के तहत एज कॉन्सिलिएटर। ये कॉन्सिलिएटर को अपॉइंट करने का अख्तियार जो है ये कमीशन के पास है। सेक्शन 37 जो है ये कहता है कॉन्सिलिएशन आफ्टर नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट, वेयर अ पार्टी टू एन इंडस्ट्री डिस्प्यूट सर्व्स अ नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। जहां पे कोई भी पार्टी इंडस्ट्री डिस्प्यूट के हवाले से नोटिस देती है, स्ट्राइक का नोटिस देती है या लॉकआउट का, स्ट्राइक का नोटिस जाहिर बात है वर्कमैन या एम्प्लॉय देगा, जबकि लॉकआउट का जो नोटिस है ये देगा एम्प्लॉयर। अगर इन दोनों में से कोई भी पार्टी स्ट्राइक या लॉकआउट का नोटिस देते हैं सब सेक्शन 3 और सेक्शन 35 के तहत, इट शिल साइमल्टेनियसली विद इन द सर्विस ऑफ सच नोटिस डिलीवर अ कॉपी देयर ऑफ टू द कॉन्सिलेटर एंड टू द कमीशन। ये बात जरूरी है कि जो नोटिस स्ट्राइक का दिया गया या जो नोटिस दिया गया लॉकआउट का, उनके साथ साथ इसकी एक कॉपी जो है वो कॉन्सिलेटर को भी भिजवाई जाएगी और उस नोटिस की कॉपी कमीशन को भी भिजवाई जाएगी। हमने सेक्शन 35 में जो लॉकआउट का नोटिस अभी डिस्कस किया और जो हमने स्ट्राइक का नोटिस डिस्कस किया, इसकी एक कॉपी लाजमन कॉन्सिलेटर और कमीशन के पास जाएगी। सेक्शन 38 प्रोसीडिंग्स बिफोर कॉन्सिलेटर। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कॉन्सिलेटर जो है जैसे उसके पास नोटिस आ जाता है तो विद इन 15 days एक मीटिंग कॉल करेगा पार्टीज की जिन पार्टीज के दरमियान कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था, और उस मीटिंग का बेसिक पर्पज ये होगा कि उन पार्टीज के दरमियान सेटलमेंट हो सके। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जिन पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट था वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी थ्रू नॉमिनेटेड पर्संस, ऐसे लोगों को वो पार्टीज नॉमिनेट करेंगी ताकि वो कॉन्सिलेटर के साथ मीटिंग कर सकें और उसमें शामिल होके वो कोई भी एग्रीमेंट कर सकें जो एग्रीमेंट उन तमाम पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा। इसके लिए वो पार्टीज ऐसे नॉमिनेटेड पर्संस को अथोराइज करेंगी कि वो नेगोशिएट कर सकें और किसी भी एग्रीमेंट में शामिल हो सकें। अब इसमें एक प्रोविजन है वो ये कि अगर कॉन्सिलेटर ये जरूरी समझते हैं कि पार्टीज के नुमाइंदे आने के बजाय कोई भी पार्टी खुद आए, चाहे वो वर्कमैन हो या चाहे वो एम्प्लॉयर हो, तो कॉन्सिलेटर जो है नोटिस भेज सकता है और वो नोटिस जो है वो इन राइटिंग होगा जिसमें कहा जाएगा कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी ऑफिसर जो है ट्रेड यूनियन का वो अपीयर हो इन पर्सन, जाती तौर पर जाती हैसियत में उसको अपीयर होना होगा और ऐसी जगह अपीयर होना होगा ऐसी तारीख और ऐसे वक्त जिसको स्पेसिफाई करेगा कॉन्सिलेटर अपने उस नोटिस में।
और उस नोटिस पे अमल दरामद करना तमाम पार्टीज के लिए जरूरी है, चाहे वो एम्प्लॉयर्स हैं या चाहे वो किसी भी ट्रेड यूनियन के ऑफिसर हैं, उनके लिए जरूरी होगा कि कॉन्सिलेटर के नोटिस पे अमल दरामद किया जाए। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कॉन्सिलेटर ये समझे कि ये जरूरी है कि कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को कोई कंसेशंस दें या मॉडिफिकेशंस कर लें अपने मामले के हवाले से, तो वो ऐसे सजेशंस दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं किसी भी पार्टी को कि आप कंसेशन दे दें या मॉडिफिकेशंस कर लें, ताकि किसी भी एमिकेबल जो सेटलमेंट है उस पर पहुंचा जा सके। तो उस सूरत में ऑनरेबल कॉन्सिलेटर जो हैं ये सजेशंस दे सकते हैं मुतलका पार्टीज को, ताकि एमिकेबल सेटलमेंट जो है उस पर पहुंचा जा सके। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर पार्टीज के दरमियान सेटलमेंट हो जाती है, उनका डिस्प्यूट रिजोल्व होने का इम्कान है, उस सूरत में कॉन्सिलेटर जो है एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट भेजेंगे कमीशन को, और उस रिपोर्ट में शामिल होगा मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जिस पे साइन किए जाएंगे दोनों पार्टीज की जानिब से। ये तब होगा अगर पार्टीज के दरमियान सेटलमेंट हो जाती है और वो इन राइटिंग सिग्नेचर कर देती है मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट पे, तो तब वो रिपोर्ट कमीशन को भेजी जाएगी। और सबसेक्शन 5 के मुताबिक अगर सेटलमेंट नहीं होती विद इन अ पीरियड ऑफ नोटिस ऑफ स्ट्राइक या लॉकआउट, लॉकआउट के जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया था कि इस टाइम को लॉकआउट होगा या इस डेट या इस टाइम को स्ट्राइक होगी, अगर उस दौरान लॉकआउट का टाइम आ गया और स्ट्राइक का टाइम आ गया लेकिन कोई सेटलमेंट नहीं हो सके पार्टीज के दरमियान, तो इसमें लॉ ये कहता है कि प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू रह सकती हैं मजीद टाइम के लिए अगर पार्टीज एग्री हो जाएं तो, यानी चाहे स्ट्राइक का डेट आ गई है स्ट्राइक की डेट और इसी तरह लॉकआउट की भी डेट आगे जो मेंशन की थी नोटिस में, इसके बावजूद अगर पार्टीज चाहें मुत्तफिका तौर पे तो वो कॉन्सिलेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको कंटिन्यू रख सकती हैं ताकि कोई एमिकेबल सेटलमेंट पार्टीज के दरमियान हो जाए। सेक्शन 39 कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स, इसमें सब सेक्शन 1 ये कहता है कंसलेशन प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड ऑन द डेट ऑन व्हिच अ नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट इज रिसीव्ड बाय द कंसलेटर। जैसे ही कंसलेटर को नोटिस ऑफ स्ट्राइक मिल जाएगा या नोटिस ऑफ लॉकआउट मिल जाएगा, जैसे ही नोटिस उसके इलम में आ गया उसके पास पहुंच गया, तो ये समझा जाएगा कि कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स का आगाज हो गया। और सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स कंक्लूडेड समझी जाएंगी, ये समझा जाएगा कि कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स पाए तकमील तक पहुंच गई है या उसका काम मुकम्मल हो गया है अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है पार्टीज के दरमियान और पार्टीज मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट को साइन कर देती हैं, तो ये समझा जाएगा कि कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कंक्लूड हो गई हैं, यानी अब कॉन्सिलेशन की मजीद जरूरत नहीं है। क्लॉज बी में कहा गया कि जहां पे सेटलमेंट तो नहीं हुई थी अलबत्ता डिस्प्यूट जो है उसको रेफर कर दिया गया आर्बिट्रेटर को अंडर सेक्शन 40, और आर्बिट्रेटर ने अपना फैसला दे दिया और आर्बिट्रेटर के फैसले को कहा जाएगा अवार्ड। तो ये समझा जाएगा कि ये अवार्ड चूंकि आर्बिट्रेटर ने दे दिए लिहाजा अब कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स की जरूरत नहीं है और वो कंक्लूड हो गई हैं, उनको कंक्लूडेड समझा जाएगा। सेकेंडली ये कहा गया है कि जहां पे पीरियड ऑफ नोटिस ऑफ स्ट्राइक या नोटिस ऑफ लॉकआउट एक्सपायर हो जाता है, उनकी डेट ओवर हो जाती है, जिस डेट के लिए वो दिया गया था वो डेट खत्म हो गई है, तो ये समझा जाएगा पार्टीज के दरमियान जो कॉन्सिलेशन की प्रोसीडिंग्स थी वो मुकम्मल हो गई हैं, पाए तकमील तक पहुंच चुकी हैं। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि ऐसे प्रोसीडिंग्स जो कमीशन के सामने होना है, ये समझा जाएगा कि कमीशन के सामने प्रोसीडिंग्स कमेंस हो गई हैं, कमीशन के सामने प्रोसीडिंग्स का आगाज हो गया है। जैसे ही कोई एप्लीकेशन मूव होती है कमीशन के सामने और वो चाहे सेक्शन 42 के तहत हो या सेक्शन 60 के तहत हो या सेक्शन 42 या सेक्शन 45 के तहत, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो रेफर करते हैं किसी भी मामले को कमीशन की जानिब। जैसे ही ये रेफरेंस फाइल होता है कमीशन के पास,
या एप्लीकेशन मूव होती है किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से मुतल्लिक, तो ये समझा जाएगा कि कमीशन की प्रोसीडिंग्स का आगाज हो गया है। क्लॉज बी में ये कहा गया है कि इसके अलावा अगर मामला डायरेक्ट रेफर किया गया था कमीशन को, तो जैसे ही मामला कमीशन को रेफर कर दिया गया, समझा जाएगा कि उस वक्त से ऑनवर्ड जो है कमीशन की प्रोसीडिंग्स का आगाज हो चुका है। और अगर कमीशन को मामला रेफर किया गया था सेक्शन 42 के तहत या सेक्शन 45 के तहत, और जैसे ही ये मामला रेफर कर दिया गया या अंडर सब सेक्शन 2 सेक्शन 34 के तहत, जैसे ही मामला कमीशन को रेफर हो गया किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के हवाले से जो रेज हुआ था, तो समझा जाएगा कि कमीशन की प्रोसीडिंग्स का आगाज हो गया। या अगर किसी भी सूरत में डिस्प्यूट रेज हो जाता है कमीशन के सामने, तो ये समझा जाएगा कि कमीशन की जो प्रोसीडिंग्स है उसका आगाज हो गया है। सब सेक्शन 5 ये कहता है कि कमीशन के सामने जो जिन प्रोसीडिंग्स का आगाज हो गया था, ये समझा जाएगा कि वो प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो गई हैं तब जब कमीशन डिसीजन दे देता है अपना, यानी जब डिसीजन अंडर सेक्शन 42 सब सेक्शन 5 के तहत डिलीवर हो जाता है, उस डेट को ये समझा जाएगा कि जो कमीशन की प्रोसीडिंग्स थी वो कंक्लूड हो चुकी हैं। सेक्शन 40 आर्बिट्रेशन। सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि अगर कॉन्सिलिएशन फेल हो जाती है, किसी वजह से कॉन्सिलिएशन नाकाम हो जाती है, उस सूरत में कॉन्सिलिएटर कोशिश करेगा कि पार्टीज को कायल करे कि पार्टीज थ्रू आर्बिट्रेटर जो है अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लें, और अगर पार्टीज मुत्तफिक हो जाती हैं तो जरूरी है कि वो एक जॉइंट रिक्वेस्ट करेंगी इन राइटिंग कि जो मामला है वो आर्बिट्रेटर को रेफर कर दिया जाए। सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि आर्बिट्रेटर जो है जो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने जा रहा है, वो ऐसा शख्स होगा जो कि कमीशन के पैनल पे होगा, कमीशन उसको मेंटेन करेगी उसके पैनल को, या कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो कि पार्टीज मुत्तफिका तौर पे तय कर लें जिस पे पार्टीज का ट्रस्ट हो। दो ऑप्शंस हैं, या तो जो कमीशन के पैनल पे मौजूद हैं आर्बिट्रेटर्स उनमें से किसी को अपॉइंट किया जा सकता है, या पार्टीज अपनी मर्जी से जिस पे वो एग्री अपॉन हो जाएं उस शख्स को एज आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया जा सकता है ताकि उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके थ्रू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का नॉर्मली मतलब होता है जिसमें सालिसी की जाए, तो आर्बिट्रेशन सालिसी को कहते हैं, और जो आर्बिट्रेटर होता है वो सालिस होता है। सालिस जो है ये अरबी का लफ्ज है, तीन को हम कहते हैं, वाहिद इस्नान सलासा, तो सालिस एक तीसरा शख्स है जो दो फरीकेन के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और अकॉर्डिंग टू लॉ हम ऐसे शख्स को आर्बिट्रेटर कहते हैं। ये जो मसालहत का अमल इसको हम आर्बिट्रेशन कहते हैं। और सब सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि आर्बिट्रेटर जो है अपना फैसला देगा विद इन 30 डेज। आर्बिट्रेटर के फैसले को हम कहते हैं अवार्ड, यानी होता ये डिसीजन है बेसिकली, लेकिन ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये जो डिसीजन है किसी एडमिनिस्ट्रेशन का है या किसी जुडिशियल ऑफिसर का है या किसी आर्बिट्रेशन का है, तो आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन होगा दैट वुड बी एन अवार्ड, और विद इन 30 डेज जो है वो अवार्ड फाइनल करेंगे आर्बिट्रेटर, और या वो डेट होगी जो कि पार्टीज तय करें, यानी अगर विद इन 30 डेज अवार्ड फाइनल नहीं होता और पार्टीज मुत्तफिक हैं कि कोई बात नहीं आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग्स चलती रहें, हम मुत्तफिक हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्द किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, तो उस सूरत में आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रह सकती हैं अगर पार्टीज एग्री कर जाएं। सब सेक्शन 4 में ये कहा गया है जैसे ही आर्बिट्रेटर अवार्ड को फाइनलाइज कर लेता है तो जरूरी है कि उसकी एक कॉपी जो है वो पार्टीज को दे और उसकी एक कॉपी गवर्नमेंट को दे, गवर्नमेंट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट, ताकि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको पब्लिश कर सके ऑफिशियल गजट में उस अवार्ड की कॉपी को। सब सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर शैल बी फाइनल एंड नो अपील शैल लाई अगेंस्ट इट। अवार्ड जो होगा आर्बिट्रेटर की जानिब से ये फाइनल होगा
और इस पे अपील जो है वो नहीं की जा सकेगी। सब सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि अवार्ड जो है वो 2 साल तक वैलिड रहेगा या उस मुद्दत तक के लिए वैलिड रहेगा जिस मुद्दत तक के लिए आर्बिट्रेटर ने टाइम पीरियड मुकरर किया होगा। अब दोबारा सब सेक्शन 5 की जानिब अगर हम देखें तो नो अपील शैल लाई अगेंस्ट इट का मतलब ये है कि आर्बिट्रेटर ऐसा शख्स था जिस पे दोनों पार्टीज मुत्तफिक थी, उनका इत्तफाक था, लिहाजा उस सूरत में अगर वो इत्तफाक के साथ ये तय करते हैं कि उनकी बात को माना जाएगा तो उस मामले की जो अपील है वो फिर फाइल नहीं की जा सकेगी और अवार्ड जो है वो 2 साल तक वैलिड रहेगा या उस डेट तक जब तक आर्बिट्रेटर मुकर्रर करते हैं। लेक्चर के एंड में हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल नेशनल इंडस्ट्री रिलेशंस कमीशन के एक जजमेंट को। 2017 में ये जजमेंट आई, पीएलसी में ये रिपोर्ट हुई, पेज नंबर 28 पे। पार्टी से जहूर अहमद नवीद वर्सेस मैनेजर द बैंक ऑफ पंजाब मुजफ्फरगढ़। इसमें इंटरप्रेट किया गया बेसिकली सेक्शन 33 को, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लेक्चर में कि सेक्शन 33 का बेसिकली ताल्लुक है ग्रीवेंस पिटीशन के साथ। उसमें जो लिमिटेशन थी ग्रीवेंस पिटीशन में दैट वाज 90 डेज, कि ग्रीवेंस पिटीशन जो है 90 डेज में जो है वो फाइल की जा सकती है। और यहाँ पे ऑनरेबल कमीशन ने ये करार दिया कि ग्रीवेंस पिटीशन फाइल्ड बाय द पिटीशनर बीइंग नॉट मेंटेनेबल वाज डिसमिस्ड बीइंग बार्ड बाय टाइम। अगर ग्रीवेंस पिटीशन 90 डेज के बाद फाइल की गई थी, जैसा कि इस केस में हुआ ये मामला, ग्रीवेंस पिटीशन आफ्टर 90 डेज फाइल की गई, तो आफ्टर 90 डेज फाइल होने की सूरत में ये टाइम बार्ड हो गई, यानी टाइम बार्ड होने की वजह से ये मेंटेनेबल नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे बहुत अच्छे अंदाज में ऑनरेबल कमीशन ने ग्रीवेंस पिटीशन की जो लिमिटेशन है, जो लिमिटेशन टाइम पीरियड है, उसको डिस्कस किया है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।